नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। नारनौल जिले में सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन की ओर से जिले में कोविड-19 को देखते हुए 50 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री, इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इसके बाद योगा प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षक की ओर से योग करवाया गया। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में बाबा जयराम स्टेडियम में योग दिवस मनाया गया। इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पूर्व मंत्री ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 साल पहले इस योग दिवस की शुरुआत कर पूरी दुनिया को योग के लिए प्रेरित किया था। इसमें 188 देशों में ये मनाया जाता है। नारनौल से हमारे संवाददाता गुलशन कुमार की रिपोर्ट। हमारी पहल पर दुनिया मनाने लगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के समक्ष, सारी दुनिया के देशों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि हम योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं, और उनके आह्वान पर दुनिया ने इसको स्वीकार किया। और आज दुनिया के सभी देश पिछले 6-7 साल से, मेरे ख्याल से 7 वर्ष, आज 7वां योग दिवस सारी दुनिया मना रही है। और टीवी खोल के देख लो, दुनिया के हर देश में योग दिवस योगा किया जा रहा है। और दूसरी, इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि योग के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेरणादायक हैं, जो योग को जिन्होंने विश्व में को योग के प्रति जिसने जागृत किया, वो भी हमारी मिट्टी से पैदा हुए हैं। योग तो बहुत पुराना ऋषि महर्षियों की परंपरा है। योग बहुत पुरानी एक प्रणाली है, विधा है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने, स्वामी रामदेव जी महाराज ने योग को आम आदमी को परोसा है, आम आदमी तक पहुंचाया है, और सारी दुनिया को योग के प्रति जागृत किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंडल पाली ने योग दिवस पाली में बाबा जयरामदास स्टेडियम में मनाया है। और इसमें हमारे बीच में एसडीएम साहब, गिरदावर साहब और सारी जो राजकीय योग दिवस है महेंद्रगढ़ का, वो भी आज हमने पाली में मनाया है। और ये नरेंद्र भाई मोदी ने 7 साल पहले ये 21 जून को योग दिवस शुरू किया था, और उनके प्रयत्नों से पूरी दुनिया में 188 देशों ने योग दिवस को अपने अपने सरकारी कार्यक्रमों में एक जरूरी कार्यक्रम, योग का प्रचार बाबा रामदेव ने किया, योग का सबसे बड़ा प्रचार नरेंद्र भाई मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया।